लिंक ध्यान दीजिएगा एफएआर की। नमस्कार दोस्तों, सरकारी रिजल्ट डॉट कॉम और रिजल्ट डॉट कॉम के ऑफिशियल चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं यूपीपीसीएल। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने जूनियर इंजीनियर जेई भर्ती 2019 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। और आपको बताऊं, मैं ऑनलाइन एप्लीकेशन का लिंक भी जो है एक्टिवेट हो गया। तो दोस्तों आज हम आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं, फॉर्म कैसे भरेंगे, पेमेंट आप कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको नंबर वन वेबसाइट सरकारी रिजल्ट डॉट कॉम को ओपन करना। यहाँ दोस्तों नंबर वन वेबसाइट सरकारी रिजल्ट डॉट कॉम, क्योंकि बहुत ही पॉपुलर बहुत ही फेमस वेबसाइट है। सरकारी रिजल्ट खुलना है, लास्ट में डॉट कॉम जरूर लगाना है, क्योंकि इसके नाम से मिलती जुलती बहुत ही फेमस और फर्जी वेबसाइटें आ गई है जो सरकारी रिजल्ट नाम से आपको मिल जाएगी। दोस्तों ओरिजिनल और ट्रस्टेबल वेबसाइट डॉट कॉम जरूर लगाइए। दोस्तों आपको एक और वेबसाइट बता देते हैं, उसका नाम है रोजगार रिजल्ट डॉट कॉम। जी हाँ दोस्तों, ये भी सरकारी रिजल्ट डॉट कॉम की तरह ट्रस्टेबल वेबसाइट। चलिए दोस्तों बात करते हैं यूपीसीएल की। देख सकते हैं ऊपर ही दिया हुआ है टॉप ऑनलाइन फॉर्म पे। दोस्तों लास्ट डेट इसकी 16 अक्टूबर है, पेमेंट इसका ऑफलाइन 18 अक्टूबर तक है, लेकिन ऑनलाइन पेमेंट 16 अक्टूबर तक है। इसकी बात करूँ तो जनरल ओबीसी की 1000 एससी के साथ पीएचआई विकलांग कैंडिडेट की केवल 10 रुपए की है। उम्र इसमें 18 से 40 है, जो कि 1 जनवरी 2019 से कैलकुलेट होगी। टोटल इसमें 16 पोस्ट है जेई इलेक्ट्रिकल के लिए। तो दोस्तों देख सकते हैं पोस्ट का डिटेल जो है इसमें दिया है, पोस्ट कोड 16 है। और मैंने आपको गलत बताया, टोटल पोस्ट इसमें 296 है, पोस्ट कोड 16 है इसका। और जनरल ओबीसी ईडब्ल्यू एससी एसटी के अलग अलग सीटें दी है, आप इसको देख सकते हैं। एग्जामिनेशन सेंटर्स का बनारस, गोरखपुर, कानपुर, बरेली, लखनऊ, गाजियाबाद, नोएडा, मेरठ के सब है। दोस्तों अगर आपको और जानकारी चेक करनी है तो आप जो है यहाँ नोटिफिकेशन पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए दोस्तों मैं फॉर्म को अप्लाई करके दिखाता हूँ, सीधा अप्लाई ऑनलाइन फॉर्म पे क्लिक करता हूँ। दोस्तों जैसे आप अप्लाई ऑनलाइन फॉर्म पे क्लिक करेंगे, देखेंगे देखिए यूपीपीसीएल की साइट पे पेज जो है रिडायरेक्ट हो चुका है। तो दोस्तों नीचे आते हैं, नीचे आप देखेंगे यहाँ पे आपका डिटेल्स दिया हुआ है। सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना नाम डालना है, पिता का नाम डालना है, मदर नेम डालना है। दोस्तों यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, फिर से मोबाइल नंबर डालना है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी डालनी है, ईमेल आईडी और दोनों चीज आपको डबल डबल बार लिखनी है। फिर दोस्तों यहाँ पे इस तरीके से आपको कैप्चा को जो है क्लिक करना है। मैं बता दूँ, कैप्चा डालने के बाद आपको रजिस्टर पे जो है क्लिक करना है। दोस्तों जैसे ही रजिस्टर करेंगे आपका जो रजिस्ट्रेशन है कम्प्लीट हो जाएगा। चलिए दोस्तों इसको करके आगे चलते हैं। दोस्तों ये देखिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हमारा कंप्लीट हो गया। जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे ऊपर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा। यहाँ पे मोबाइल और ईमेल के माध्यम से भी आपको रजिस्ट्रेशन नंबर की सूचना दी जाएगी, लेकिन दोस्तों वो आने में कभी कभी समय लगता है। इसलिए मेरा सजेशन यही है, आप एप्लीकेशन नंबर अपना कहीं कॉपी या उसकी फोटो खींच के रख लीजिए। उसके बाद यहाँ पे गो टू एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक दिख रहा है, इस पर आप क्लिक कर दीजिए। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। दोस्तों देखिए फॉर्म हमारा ओपन हो चुका है। सबसे पहले आपको अपना जेंडर सिलेक्ट करना है, उसके बाद आपको मैरिटल स्टेटस अपना सिलेक्ट करना है। यहाँ पे दोस्तों आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है। डेट ऑफ बर्थ आप इस तरीके से डाल सकते हैं, मैं आपको दिखाऊं शॉर्टकट में। ये देखिए दोस्तों इस तरीके डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, जैसे ही डेट ऑफ बर्थ डालेंगे आपका जो एज लिमिट है वो शो हो जाएगी। यहाँ पे आपको मैरिटल स्टेटस डालना है अपना। देखिए डालने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप अपना आधार कार्ड नंबर दे सकते हैं, लेकिन ये मैंडेटरी नहीं है, यानी कि कोई कंपलसरी नहीं है, ये ऑप्शनल है, आप देना चाहे दीजिए, नहीं देना चाहे तो आगे दीजिए। चलिए दोस्तों नीचे चलते हैं। दोस्तों अगला ऑप्शन पूछ रहा है आपका डोमिसाइल का, क्या आप यूपी के निवासी है। अगर यूपी के निवासी हो तो आपको अपना कैटेगरी डालनी है। देखिए सारे कोटे दिए हुए हैं, जिसमें भी हो आपका डाल सकते हैं। हैव यू कंप्लीटेड अप्रेंटिसशिप, यानी आपने अप्रेंटिसशिप की जो अगर ट्रेनिंग कंप्लीट कर ली है तो यस कीजिए, नहीं तो नो कर दीजिए। दोस्तों अगला ऑप्शन है आपका एड्रेस का, तो मैं एड्रेस डाल देता हूँ, स्टेट डाल देता हूँ, नेक्स्ट अपनी डिस्ट्रिक्ट डाल देता हूँ, नेक्स्ट अपना जो है पिन कोड डाल देता हूँ। दोस्तों अगला ऑप्शन है परमानेंट एड्रेस के, आपका सेम है, अगर सेम है तो यस कीजिए, अगर कुछ अलग है तो आप उसको नो करके आगे बढ़ सकते हैं। चलिए दोस्तों अब आगे चलते हैं हम, और यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करके आगे चलते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं हम अपने अगले स्टेप पे आ चुके हैं, यानी कि पर्सनल डिटेल्स हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम आ चुके हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन पे। यहाँ पे आपको हाई स्कूल का जो आपकी क्वालिफिकेशन है उसका डिटेल देना है, कि आपने हाई स्कूल किया था, क्या किया था। मैंने हाई स्कूल किया था, हाई स्कूल आपने कब पास आउट किया था उसका डिटेल देना है आपको, हाई स्कूल का परसेंटेज देना है आपको। नेक्स्ट आपको इंटर का डिटेल देना है, यहाँ क्वालिफिकेशन का नाम है, आप इंटरमीडिएट लिख सकते हैं, क्लास 12 भी लिख सकते हैं, दोनों ही गलत नहीं होगा। यहाँ पे आपको परसेंटेज देना है, परसेंटेज अगर आपका पॉइंट में हो तो अलग दे दीजिएगा। दोस्तों यहाँ पे डिप्लोमा दिया, 3 साल का आपने डिप्लोमा है। यहाँ पे दोस्तों पासिंग डेट पूछा, जो आपके मार्कशीट में पासिंग की डेट पड़ी होगी वो पासिंग डेट आपको इसमें लिखनी है। दोस्तों
पासिंग डेट लिखने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है, नेक्स्ट, फिर आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको जो आपका जिस ईयर में आप पास आउट हुए हैं उसका आपको डिटेल देना है, और जिस मंथ में पास आउट हुए उसका डिटेल देना है, और जो डेट आपके मार्कशीट में पड़ी है वो देना है। तो दोस्तों इससे की डिटेल देना है। यहाँ पे आपको जो इंस्टीट्यूट का नाम है वो लिख देना है, यहाँ पे आपको जो परसेंटेज है वो लिख देना है। तो दोस्तों इस तरीके लिखने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट करके आगे चलना है। चलिए दोस्तों हम आगे चलते हैं। ये देखिए दोस्तों हम अपने अगले स्टेप पे आ चुके हैं। यहाँ पे आपको अपने कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। डॉक्यूमेंट में आपको फोटो अपलोड करनी है और सिग्नेचर। फोटो का साइज मैक्सिमम 80 KB होना चाहिए, सिग्नेचर भी आपका 80 KB की, और फीस आप देख सकते हैं 1000 आ रही है। दोस्तों फोटो आपको बता दूँ व्हाइट बैकग्राउंड के साथ होनी चाहिए, क्योंकि व्हाइट बैकग्राउंड नहीं होता तो फोटो अक्सर जो है रिजेक्ट हो जाता है। तो चलिए दोस्तों हम फोटो सिग्नेचर अपलोड करते हैं। ये कैप्चा कोड डाल दिया, यहाँ एग्रीमेंट पर क्लिक करके अब हम सबमिट करेंगे, लेकिन पहले प्रीव्यू चेक करेंगे। पहले उसको अपलोड करते हैं फिर आपको दिखाते हैं। दोस्तों ये देखिए नीचे हम आएंगे, पूरा प्रीव्यू हम चेक कर रहे हैं इस समय कि फॉर्म में कोई गलती तो नहीं है। यहाँ दोस्तों बाद में करेक्शन का ऑप्शन नहीं मिलता है, इसलिए पहले अच्छी तरीके से चेक कर लीजिए। आपकी जो फोटो सिग्नेचर वगैरह लगी गए सब कुछ अच्छी तरह चेक कर लीजिए, फीस देख लीजिए सब कुछ सही आ रहा है। सब कुछ सही तो यहाँ देखिए ओके का बटन दिख रहा है, ओके के बटन पर आपको क्लिक करना है सब कुछ अच्छी तरह चेक करने के बाद। तो दोस्तों जैसे ही देखा आपने हमने ओके पर क्लिक किया, ओके पर क्लिक करेंगे हम वापस जो है जो UPPCL का केस था जहाँ पे आप फॉर्म भरे थे उस पर रिडायरेक्ट होगा। दोस्तों यहाँ देखिए सबमिट करना है। दोस्तों एक चीज़ आपको बता दूँ, अगर आपका कुछ भी करेक्शन है तो पहले उसको करेक्ट कर लीजिए अच्छी तरीके से, फॉर्म का प्रीव्यू 2 बार चेक कर लीजिए, 3 बार चेक कर लीजिए, उसके बाद ही सबमिट कीजिए। चलिए दोस्तों मैंने अच्छी तरह चेक कर लिया, मैं सबमिट करके आगे चलता हूँ। दोस्तों हम अपने अगले स्टेप पे आ चुके हैं। अगला स्टेप है इसका फी पेमेंट। दोस्तों फी पेमेंट आप स्टेट बैंक के नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, अदर बैंक के नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं, और ये देखिए ये ऑफलाइन पेमेंट है। जी हाँ दोस्तों ये देखिए ये ऑफलाइन पेमेंट है, लेकिन इसमें आपका 59 रुपीज़ एक्स्ट्रा लगेगा, क्योंकि इसमें चलान निकलेगा, चलान आपको ब्रांच में सबमिट करना पड़ेगा, उसके बाद ही ये होगा। तो दोस्तों आपको मैं बता दूँ आपको ऑनलाइन प्रीफर करता हूँ, आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, वीज़ा हो, मास्टर हो, रुपये हो, किसी से भी पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों एक चीज़ का ध्यान हमेशा रखिएगा, कभी भी अपना कार्ड नंबर, CVV, एक्सपायरी डेट किसी के साथ भी शेयर मत कीजिएगा, और कभी भी पब्लिक प्लेस जैसे साइबर कैफे वगैरह में यूज़ मत कीजिएगा। तो दोस्तों आपकी सुरक्षा आपके हाथ में है, पेमेंट करने के बाद ये फॉर्म डन हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। इस फॉर्म को अप्लाई करने का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे हमने दे रखा है, वहाँ से भी आप अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो आप sarkarirezult.com और rozgarrezult.com के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।